नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। सीमांत जनपद की तनुजा खाती को आगामी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए चुना गया है। तनुजा के परेड में शामिल होने के लिए चयन होने पर जिले में हर्ष व्याप्त है। बताते चलें कि तनुजा खाती स्थानीय लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय में MSc प्रथम सेमेस्टर की छात्रा है। डॉक्टर सरोज वर्मा ने बताया कि तनुजा का चयन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत हुआ है। बीते दिनों तनुजा द्वारा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार में गणतंत्र दिवस परेड कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया गया था। वह इस माह 1 से 31 जनवरी तक दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इंटरनेशनल हॉस्टल में रहेंगी। तनुजा की इस सफलता पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अशोक नेगी, डॉक्टर सरोज वर्मा, जिला युवा अधिकारी ध्रुव डोंगरा सहित अन्य लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने को लेकर तनुजा भी काफ़ी उत्साहित हैं। पिथौरागढ़ के कनालीसिना के गुड़ौली गांव निवासी एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार गुड़ौली गांव निवासी प्रकाश चंद पांडे पुत्र जमुना दत्त उम्र 51 वर्ष शुक्रवार को अपने घर को आ रहे थे। रास्ते में अजाड़ी गाँव के निकट अचानक पैर फिसलने से प्रकाश पांडे खाई में गिर गए। शुक्रवार को प्रकाश के घर न पहुंचने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ खोजबीन शुरू की तो अजाड़ी गांव के निकट खाई में युवक मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह बीते दिवस लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी में हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे। इस दौरान सेना ITBP SSB व BRO के अधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल ने बर्फ के बीच सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाते हुए अधिकारियों से जानकारियां प्राप्त की। साथ ही BRO के अधिकारियों से सीमा क्षेत्र की सड़कों के बारे में भी आवश्यक जानकारियां प्राप्त की। इस दौरान राज्यपाल ने गुंजी में रहने वाले परिवारों से भी भेंट की। ग्रामीणों ने राज्यपाल को क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इसके उपरांत राज्यपाल हेलीकॉप्टर से देहरादून को रवाना हो गए। पिथौरागढ़ नगर के व्यस्ततम सिमलगैर बाजार में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित व बेहतर बनाए जाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापारियों सहित यातायात कर्मी व स्थानीय लोग मौजूद थे। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ निर्णय लिया गया कि बाजार में चौपहिया वाहन दिन भर खड़े नहीं रहेंगे। आवश्यक कार्यों के लिए आवाजाही में छूट रहेगी। व्यापारियों का सामान लाने वाले बड़े वाहनों के लिए शीघ्र ही समय सीमा निर्धारित की जाएगी। बैठक में यातायात पुलिस के दरबान सिंह, हरीश लटवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन जोशी, ललित खत्री, नवल रावल, सुनील पुनेठा, बसंत जोशी, पप्पू पाटनी, जनार्जन नगरकोटी, चंद्रप्रकाश खत्री, नवीन भसीन, राजेश पंगरिया, ज्योति जोशी सहित कई व्यापारी मौजूद थे। संचालन सुशील खत्री द्वारा किया गया। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह मर्तोलिया अपने आवास पर अनशन पर बैठ गए। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। मर्तोलिया ने मांग पर गौर न किए जाने पर अधिकारियों व कर्मचारियों को साथ लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पिथौरागढ़ जिले के तहसील गंगोलीहाट के बालाकुचा में शौचालय निर्माण के लिए अभी तक धनराशि न मिलने पर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन कर नाराजगी प्रकट की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सरकार एक ओर तो स्वच्छता को लेकर कई कार्यक्रम चलाने के साथ धनराशि खर्च कर रही है, पर गंगोलीहाट की अनुसूचित जाति बस्ती बालाकुचा में अभी तक कुछ परिवारों के पास शौचालय नहीं है, जिन्हें खुले में शौच करना पड़ रहा है। शौचालय बनाने के लिए कई बार मांग भी की गई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस दौरान जगदीश कुमार ने कहा कि यदि शीघ्र शौचालय बनाने के लिए उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए व पिथौरागढ़ समाचार ग्रुप व्हाट्सएप व टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।